जय श्री महाकाल दोस्तों, बहुत टाइम के बाद मैं आप लोगों के लिए फिर से व्लॉग लेके आया हूँ। और आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि मेरी माता रानी भी आई हुई है आज नवरात्र का पहला दिन, और मेरा बर्थडे भी है, जो कि बहुत टाइम के बाद में ये मुहूर्त वापस आ रहा है क्योंकि मैं नवरात्र के एकम के दिन ही पैदा हुआ था। तो एक छोटा सा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। मेरे पास में एक बहुत प्यारी सी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व्हीकल है जिसका आज हम लोग करेंगे रेंज टेस्ट। तो भैया पता करते हैं कि क्या रेंज देती है, और आप देखना चाहेंगे कि कौन सी गाड़ी है वो। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसे आपने देख लिया है, एथर 450X। अब हम देखते हैं कि 100% चार्ज में ये हमको क्या रेंज देती है। एक्चुअली हम लोग, मैं रहता हूँ दुर्ग छत्तीसगढ़ में, और यहाँ से एक माता रानी का मंदिर है डोंगरगढ़, जो कि बहुत फेमस है, बहुत लोग आते हैं। तो यहाँ से उसका डिस्टेंस होगा ऑलमोस्ट 66 किलोमीटर। अब हमारे पास में है एथर 450X, सॉरी फॉर दैट। अब मेरे साथ एक पिलियन, तो दो सवारी पिलियन के साथ में डबल सीट कितना रेंज निकाल पाती है गाड़ी। 66 किलोमीटर जाना है, और वहाँ पे एक पॉइंट है जैसे कि मेरे दीदी जी हैं, तो मैं उनके यहाँ पे अपनी गाड़ी चार्ज कर लूँगा, देन उसके बाद में फिर वहाँ से हम रिटर्न होंगे। तो देखते हैं इन सब ट्रिप में हम लोगों को कितना ज़्यादा ये रेंज निकाल के देती है एथर 450X विद पिलियन विद 140 kg के लोड के साथ में। मिलते हैं, स्टे ट्यून, और कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना ना भूले दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास में रेंज दिखा रहा है 65 किलोमीटर 100% चार्ज इन वैट मोड। हालांकि मोड वगैरह का फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये जो देख रहे हैं ये बैंड, अगर इस बीच बैंड के बीच में अगर आप अपना आप किलो वाट आर आप जो इसमें लूज़ कर रहे हैं गाड़ी चलाते समय या फिर इस इलेक्ट्रिक गाड़ी को यूज़ करते समय, तो बस आपको ये ध्यान रखना कि ये जो स्ट्रेच होता है इसमें, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के इसमें जो ग्राफिक्स आता है स्ट्रेचनेस का वो कैसे आता है, तो उससे हमको पता चलता है कि हमारी गाड़ी कितना ज़्यादा पावर लोड ले रही है। तो अगर हम उस चीज़ को समझ गए हम बहुत अच्छा रेंज निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा स्पोर्ट्स और ऐप में चला के कि कैसे हम इसमें रेंज निकालते हैं, बस हमको स्पीड मेंटेन करके रखना है अंदर 50 to 60। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी ये ट्रिप, हमारी ये छोटी सी जर्नी और एक रेंज टेस्ट। जय श्री महाकाल। और ये देखिए दोस्तों, ये जो स्ट्रेच आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ग्राफिक्स जो बन रहा है यही है मेन स्ट्रेच। अगर आप इसको इतने के ही बीच में रखते हैं, इतना ही बीच में अगर ये स्ट्रेच रहता है, तो उससे आपको बहुत अच्छी रेंज मिल जाती है। राइट टर्न करने के बाद ये आ जाता है मिनी माता चौक। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं एक जगह काकुल टेला, जो कि यहाँ पे आज नदी के पास में बहुत फेमस जगह है, वहाँ पे एक नदी गुरुद्वारा भी है। तो हम लोग ठाकुर टेला के पास रुकेंगे, कुछ रिफ्रेशमेंट लेंगे, कुछ चाय वाय पीते हैं। यार बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, सुबेरे सुबेरे से निकले हुए हैं, तो चाय वाय पी के फिर वहाँ से आगे निकलेंगे डोंगरगढ़ की तरफ। और यहाँ पे हमारे पास में बैटरी 95%, जिसमें हमने 5.9 किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो हमारे 5% में हमको ऑन एन एवरेज 5.96 किलोमीटर के आसपास रेंज यहाँ पे वो प्रोवाइड कर देती है। तो अब देखते हैं कि डोंगरगढ़ जाते तक हमारे पास में कितना बैटरी जूस बचता है। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं ठाकुर टेला, दिखा देता हूँ आपको चाय नाश्ता वगैरह हम लोग यहाँ पे लेंगे रिफ्रेशमेंट। मेरे साथ में मेरा फ्रेंड राहुल दत्ता। तो भैया बोल दो जय महाकाल। जय महाकाल। तो भैया जय महाकाल। अब यहाँ से थोड़ा रिफ्रेशमेंट वगैरह लेते हैं फिर निकलते हैं। और मैं आपको बताना भी ये भी चाहूँगा कि इस गाड़ी में बहुत कुछ अच्छा दिया हुआ है, साथ ही साथ में जो इसके ऐप में आप कितनी ज़्यादा डिटेल्स, मतलब बेफजूल के डिटेल्स हैं, जो आपके काम के हैं वो डिटेल्स,
आपके एनालिटिक्स, आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, कैसे ट्रेवल कर रही है, कौन कितने स्पीड में चला रहे हैं, सारी चीज़ें आपको इस ऐप के थ्रू पता चल जाएगी। और ये आ गया है हमारा स्नैक्स इडली, और दत्ता जी खा रहे हैं बड़ा। तो यहाँ पे हमारे पास 95% बैटरी लेफ्ट है, 71 किलोमीटर स्पोर्ट्स मोड में दिखा रहा है। और ये एथर के मैप का एक फीचर भी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में। और ऑल सेट फॉर डोंगरगढ़। तो भैया व्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों जय श्री महाकाल। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो काफी खूबसूरत व्यू है, और हम यहाँ सड़क से थोड़ा किनारे एक जगह है वहां से आए। ये देखिए दत्ता भाई सब खड़े हैं, फोन में किसी से बतिया रहे, पता नहीं किससे बतिया रहे पर बतिया तो रहे। क्या दत्ता किससे बतिया रहा है? फोन चला रहा हूँ भाई। चलो ठीक है, तो भाई सब फोन चला रहे। और ये है हमारी एथर 450X। यहाँ पे हमारा बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है 47 किलोमीटर, रेंज दिखा रहा है 36 किलोमीटर, हमारा डेस्टिनेशन है 20 किलोमीटर। देखते हैं हम लोग कितना बैटरी रेंज बचा पाते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है 25 किलोमीटर 25% के आसपास का बैटरी रेंज हमारे पास में बच जाएगा। देखते हैं अब क्या होता है। तो भैया हर हर महादेव। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है 34%, किलोमीटर दिखा रहा है 27, और यहाँ पे हमारा 9.1 किलोमीटर लेफ्ट है हमारे डेस्टिनेशन से। तो चलिए चलते हैं। और बहुत अच्छा एवरेज निकाल के दे रही है इधर विद पिलियन के साथ में। 140 किलो का लोड लेके हम दोनों का मिला के 140 किलो के लोड में ये गाड़ी चल रही है। और रेंज एक्यूरेसी जो मैं देख रहा हूँ, मैं इसको कंटिन्यू स्पोर्ट्स में रखा हूँ, बस इसको चला रहा हूँ 50-60, मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि 60 से ऊपर जाऊँ ही ना, तो उसके बाद भी ये मेरे को बहुत अच्छा रेंज प्रोवाइड कर रही है। एथर नेवर डिसअपॉइंटिंग। मतलब जितना मेरे को इको मोड में मिल जाता है उतना ही मेरे को स्पोर्ट्स मोड में निकाल रहा हूँ, क्योंकि इको भी अगर आप चलाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 चला पाओगे उस 50 अंदर, मतलब 50-57 किलोमीटर पर आए, तो उससे अच्छा भी है उसको रखो स्पोर्ट्स में और चलाओ 50-60 में, आप ईजिली रेंज निकाल सकते हो। तो बस ये कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर अगर आपको चलाना है तो कैसे चलाना है। बाकी इसके ऊपर और भी वीडियोज़ आती रहेंगी कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा रेंज निकाल लें, चार्जिंग का और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताते जाऊँगा एथर से रिलेटेड। तो अगर आप एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेने का सोच रहे हैं तो भैया एक बार एथर की तरफ तो देखना बनता है। तो यहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन है 5.8 किलोमीटर, बैटरी परसेंटेज 29। और सामने हमको दिख रहा है यहाँ से पहाड़ों में माता रानी का मंदिर। तो दर्शन होते ही बोल दीजिए जय माता दी।
अच्छा लग रहा है। अभी हम जाएंगे मेरे दी और जीजू के यहाँ, जहाँ पे हम अपनी गाड़ी को लगाएंगे चार्ज पे, क्योंकि अभी हमारे पास में मात्र 23% बैटरी लेफ्ट है, तो इतने में तो हम वापस जा नहीं सकते, तो इसको थोड़ा सा खाना वाना खिलाना पड़ेगा, तो वो मैं अपने दी और जीजू के यहाँ पे खिलवाऊँगा इसको खाना। बाकी चलते हैं, साथ में एक छोटा सा रेंज टेस्ट 100% चार्ज के साथ में हम यहाँ से निकले डोंगरगढ़, जिसका डिस्टेंस था 67 किलोमीटर और हमारे पास में 23% बैटरी लेफ्ट थी। तो एथर ने हमें 150 टू 140 किलो के साथ में, मतलब पेलोड के साथ में, हमें बहुत ही अच्छा रेंज प्रोवाइड किया, अप्रॉक्स 90 के आसपास का हमें रेंज मिला। तो दैट्स अ गुड अमाउंट ऑफ नंबर कि भाई 150 kg लोड उसको लेके, मतलब दो पिलियन के साथ में 90 का रेंज निकाल के देना, वो भी सारे मोड मिक्स करके मैंने चलाया। इको में जनरली मैंने नहीं चलाया, मैं राइड स्पोर्ट्स और वैप में चलाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो स्ट्रेच है उस पर अगर मैं काबू कर लिया तो बहुत अच्छा रेंज निकाल के दे देता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए रेंज टेस्ट। अगर आपको और इथर के बारे में जानना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, और कमेंट में अपनी सारी क्वेश्चंस एथर से रिलेटेड, सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो नीचे कमेंट में लिख दें। मैं अपनी मेल आईडी भी मेंशन कर दूंगा। अगर आप में से कोई मेरा भाई है जो कि अपनी गाड़ी का रिव्यू देना चाहता है, अगर उसके पास में ओला एथर या कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसके बारे में रिव्यू देना चाहता है, अगर कोई पेट्रोल आईसी इंजन वाली गाड़ी है, कार है, तो उसके बारे में अगर रिव्यू देना चाहता है, तो बहुत स्वागत है आपका मोटर X247 में। बिल्कुल आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं रेगुलरली अपने मेल्स चेक करता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। जय भारत, जय श्री महाकाल।